YouTube चैनल HRSB Education and Motivation। साथियों, बेस्ट शिक्षा परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है, अंतः जनपदी इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 20 सितंबर तक 20,752 शिक्षक होंगे कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि हुई घोषित। साथ ही उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ, सेवा में समस्त जिला वेश्या अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के शाश्वत पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय वेश्या परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 20 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 20 जनवरी 2023 के अनुक्रम पालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शाश्वत पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के उपरांत जिला शिक्षाधिकारी द्वारा सत्यापित रजिस्ट्रेशन पत्र के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2023 तक जोड़ा पेयर बनाने की कार्रवाई पूर्ण की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार 20,752 शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु जोड़ा बनाने की कार्रवाई पोर्टल पर पूर्ण की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण में यदि किसी भी शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया है तो प्रकरण समिति के समक्ष रखते हुए समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में परिषद द्वारा अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाएगा, तब तक ऐसे प्रकरण स्थगित रहेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिस शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा जोड़ा यानी पेयर बनाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है के रजिस्ट्रेशन पत्र जिला शिक्षाधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है। शिक्षक एवं शिक्षिका के विवरण को एक्सेल शीट में डाउनलोड कर शासनादेश दिनांक 20 सितंबर 2023 तक समिति के समक्ष रखकर कार्यवाही 20 सितंबर 2023 तक पूर्ण करते हुए स्थानांतरण हेतु आहर पाए गए शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 20 जनवरी 2023 के बिंदु संख्या 14-6 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी। शिक्षक एवं शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन पत्र फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कृपया उपरोक्ता अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट कर भवदीय श्री प्रताप सिंह वाघेले सचिव उत्तर प्रदेश परिषद प्रयागराज।